डिस्कशन हो रही थी, तो उसके अंदर हमने प्रॉफिटेबिलिटी की जो रेशियोज कैलकुलेट की थी और उसको मैं लिंक कर रहा था, तो मैंने ये अभी आपके सामने अभी बातों बातों के अंदर जब हम बातें कर रहे थे, तो मैंने यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी की कुछ रेशियोज कैलकुलेट कर ली क्योंकि ग्रैपल की थी। ठीक है, तो ग्रैपल राइट का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन यहाँ नज़र आ रहा है आपको, ग्रैपल का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नज़र आ रहा है, ग्रैपल का बिफोर टैक्स प्रॉफिट मार्जिन नज़र आ रहा है। ठीक है, ओके तो ग्रैपल का प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 29 पॉइंट समथिंग से 31 हुआ हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 6 से 8 पर आया है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 5 से 7 पर आया है। सो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी जो है इसकी वो इम्प्रूव हो रही बढ़िया है। सही है। अच्छा, रिटर्न ऑन नाइस। कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर हम बात करें, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ग्रैपल का 5.9 से डबल हो गया, 10.48 हो गया। अच्छा, प्रॉफिटेबिलिटी इतनी नहीं बढ़ी लेकिन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा पेस से बढ़ रहा है। ठीक है, और रिटर्न ऑन इक्विटी की एग्जांपल लें तो रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स का रिटर्न भी डबल हुआ है, यानी कि ये कंपनी इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इन्वेस्टर्स के लिए और लेंडर के लिए अच्छे रिजल्ट शो कर रही है। राइट सर। अब इसको हम आगे कनेक्ट कर लेते हैं नेक्स्ट कैटेगरी में जो हमारे पास थी, नेक्स्ट कैटेगरी लिक्विडिटी लिक्विडिटी। रेशियोज। लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी में हमारे पास जो पहली रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं दैट इज कॉल्ड करंट रेशियो। यस सर। करंट रेशियो का करंट फॉर्मूला होता एसेट्स है करंट एसेट्स ओवर करंट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। लायबिलिटीज। अच्छा, करंट रेशियो मैं पहले इसकी कैलकुलेट कर लूँ फिर हम इसको इंटरप्रेट करते हैं। तो करंट एसेट्स में हमारे पास इस साल 2.1 मिलियन रखा हुआ है, और सॉरी 73.5 मिलियन रखा हुआ है, और करंट लायबिलिटीज में हमारे पास 28.5 है। तो 73.5 ओवर 28.5, 28.5, ये तो हो गया करंट ईयर का। यस और पिछले साल हमारे पास 46.4 एंड 12.2, फोर्टी यस सिक्स पॉइंट फोर एंड 12.2 कैलकुलेटर 12.2 है, यस बराबर निकालने सर। जरा सेवेंटी रिजल्ट। थ्री पॉइंट फाइव डिवाइड बाय 28.5। सर जो करंट ईयर है वो है 22.5 22 तो नहीं होगा यार, करंट ईयर का सर। करंट रेशियो 22 कैसा हो सकता है? सेवेंटी नहीं, थ्री टू पॉइंट पॉइंट फाइव टू टू पॉइंट टू फाइव पॉइंट यस सर 2.5, देन इट्स फाइन। 2.5 इज यस टू वन, ऑफ यस डिवाइडेड बाय 12.2 46.4 डिवाइडेड बाय 12.2 सर 3.80। सही। इसका मतलब है लिक्विडिटी पोजीशन ओवरऑल हमारी, करंट रेशियो क्या इंडिकेट करता है? करंट रेशियो ये कम हुई है, इंडिकेट करता कम हुई है, है। करंट रेशियो क्या इंडिकेट करता है कि हाउ मच करंट एसेट्स आर देयर फॉर द पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी। एक लाइबिलिटी को पे करने के लिए हमारे पास कितने करंट एसेट्स मौजूद हैं? सही। 2.5 मिलियन। सो पहले हमारे पास परफॉर्मेंस ये शो कर रही थी कि एक लाइबिलिटी को पे करने के लिए 3.80 करंट एसेट्स मौजूद हैं, लेकिन अब हमारे पास एक लाइबिलिटी को पे करने के लिए करंट एसेट्स कम है। इसका मतलब है लाइबिलिटी का जो पेस है वो करंट एसेट्स के पेस के मुकाबले में ज्यादा तेजी से इंक्रीज हुआ। सो ये इंडिकेट करता है पुअर वर्किंग कैपिटल पोजिशन। सही है। अच्छा, कैश फ्लो प्रॉब्लम या पुअर वर्किंग कैपिटल पोजिशन। फिर करंट एसेट्स में क्योंकि स्टॉक भी होता है और क्विक स्टॉक रेशो नॉर्मली स्लो मूविंग आइटम होता है बहुत सी कंपनीज के लिए, जैसे राइट यहाँ जो नेचर ऑफ बिजनेस है ना ग्रैपल का, उसके अंदर तो स्टॉक नॉर्मली अगर अगर हम इसकी प्रोडक्ट की डिमांड देखें तो हमें लगता है कि स्टॉक इतना स्लो मूविंग आइटम होगा नहीं नॉर्मली, लेकिन फिर हम कैलकुलेट करते हैं, हम करंट एसेट में से इन्वेंट्री माइनस कर देते हैं और उसको करंट लायबिलिटी से डिवाइड करके चेक करते हैं कि इन टर्म्स ऑफ क्विक एसेट्स हमारी कैश फ्लो की पोजिशन कैसी है। अब इसको अगर मैं यहाँ रिलेट करना चाहूँ तो स्टॉक 25.8 था, यस सर। तो हमने 73.5 में से 25.8 माइनस कर दिया और बाकी 28.5 ये आ गया, और वहाँ पर हमारे पास पिछले साल स्टॉक था 19.6। सो 19.6 का मतलब है 46.4 में से हमने 19.6 माइनस किया और 12.2 से, इसका आंसर जरा बताएं फिर से इंटरप्रेट सर जो करें। पहला वाला है 1.67 है वन करंट पॉइंट जो है सिक्स सेवन
यस, और दूसरा मैं अभी कैलकुलेट कर रहा हूँ, माइनस 19.6 डिवाइडेड बाय 12.2, सर 2.19। तो ये भी डिक्लाइन हुई है। यस सर। तो अंडरस्टूड बात है कि आपकी जो रेशियोज हैं वो दोनों डिक्लाइन हो रही हैं, और पहले आपके पास क्विक एसेट्स 2.19 थे, अब आपके पास क्विक एसेट्स 1.67 है। तो इसके अंदर भी अल्टीमेटली आपको वर्किंग कैपिटल का इम्पैक्ट नजर आ रहा है कि इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स और पेबल्स की मैनेजमेंट हमारी शायद इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, राइट राइट, रिसीवेबल्स सर अच्छे नहीं है। ये जो 1.67 है या 2.5 आ रहा है, जब तक इंडस्ट्री की इन्फॉर्मेशन ना, हम एक्चुअली कह नहीं सकते कि हम इंडस्ट्री से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या बुरा परफॉर्म कर रहे हैं। Okay. लेकिन ओवरऑल लास्ट ईयर से हम बुरा परफॉर्म कर रहे हैं। अब इसको चेक करने के लिए कि व्हाट वेंट रॉन्ग, हम फर्दर कुछ रेशियोज कैलकुलेट करते हैं जिसके अंदर इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज, इसको वर्किंग कैपिटल रेशियोज कहा जाता है। ये टाइम्स में भी निकलती है, डेज में भी निकलती है। डेज में निकालने के लिए हम लेते हैं एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय COGS मल्टीप्लाई बाय 365 days, अच्छा एवरेज इन्वेंट्री यूजुअली अवेलेबल नहीं होती, तो एवरेज की जगह हम क्लोजिंग स्टॉक भी ले सकते। सर प्रैक्टिकली भी यही लेते हैं, क्लोजिंग स्टॉक या प्रैक्टिकली एवरेज इन्वेंट्री? सर वो कैसे निकलता है उसको? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है ना इस वक्त, वो 2 साल का डेटा अवेलेबल है, तो एवरेज निकालने के लिए कम से कम 3 साल का डेटा होना चाहिए। सही। तो अभी क्या फॉर्मूला बताया? एवरेज कॉस्ट, एवरेज इन्वेंटरी निकालने का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ओके ओके सही। लेकिन हम अभी यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए क्लोजिंग स्टॉक इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑलराइट, तो अभी हमने ऊपर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाली थी 25.8, यस, और यहाँ था 19.6। अच्छा COGS बास केसेस में डायरेक्टली मिल जाता है, यहाँ भी हमारे पास COGS अवेलेबल है 98.7 62.6 मल्टीप्लाई बाय 365 एंड मल्टीप्लाई बाय 365 सर पहले का 106.5 डेज है, तो राउंड ऑफ करके 107 कह सकते हैं हम। यस 62.6 right? 62.6 okay. अच्छा, अब ये टेक्निकली देखा जाए तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं पेप्सी की बात करूं, कोक की बात करूं, या ऐसी कंपनी की बात करूं, तो इट सीम थोड़ी ऑकवर्ड कि यार इतने दिनों के अंदर आप स्टॉक बेचते हैं, 114 दिन में बेचते हैं या 106 दिन में बेचते हैं, तो बड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा है। लेकिन अगेन इंडस्ट्री नॉर्म, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन देखा जाए तो हमने लास्ट ईयर तक हमारी जो इन्वेंट्री सेल होती थी वो हम 115 दिन में अप्रोक्सीमेटली बेच देते हैं, और अब हमारी इन्वेंट्री 106 दिन में बिक रही है। इसका मतलब है स्लाइट इम्प्रूवमेंट हमारे पास है इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज के अंदर। और इन्वेंट्री अगर फॉर एग्जाम्पल टाइमली नहीं बिक रही तो उसके पीछे रीजन हो सकते हैं पसंद, लेकिन ये रेशियो ओवरऑल क्या बताता है, इन हाउ मेनी डेज वी कैन सेल आवर इन्वेंटरी। करेक्ट, मतलब पहले से बेहतर है सर, पहले 114 दिन थे। हाँ पहले से बेहतर है, लेकिन कितना बेहतर है वो इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है, लेकिन ओवरऑल हम ये देख रहे हैं कि इसमें इम्प्रूवमेंट आई है, और इम्प्रूवमेंट आने का रीजन, इट माइट बी रीजन ये हो सकता है के आपकी क्वालिटी इंप्रूव हुई हो, रिसीवेबल्स और बेहतर हुए हो। नहीं अभी तो हम इन्वेंटरी की बात कर रहे हैं सर। ओके ओके, क्वालिटी इंप्रूव हुई हो या आपने प्राइस रिड्यूस की हो। अब जैसे अब जर्नली, ये तो जर्नल बात कर रहे हैं ना, ये तो हम जर्नल बात कर रहे हैं, लेकिन इट माइट बी पॉसिबल कि अगर हम ग्रैपल को देखें तो ग्रैपल किसको बेचता है, सुपर स्टोर्स में बेचता है, रिटेलर को बेचता है, होटल्स को बेचता है, एयरलाइंस को बेचता है, तो हो सकता है आपने एक नई एयरलाइन के साथ कांटेक्ट किया हो और उसकी वजह से आपकी इन्वेंट्री, या आपको पेपर में फिर स्पेसिफिकली रीजन बताना पड़ेगा कि जी आपकी इन्वेंट्री इंक्रीज होने का रीजन क्या है। सही है, लेकिन अगर हम इन जर्नल बात करें तो इन्वेंट्री खराब होने का या इन्वेंट्री इंक्रीज या डिक्रीज होने के रीजन होते हैं कि आपका स्टॉक कंपैरेटिवली आउटडेटेड है, ऑब्सोलीट हो गया और क्वालिटी खराब है,
कोई प्रॉब्लम आ गई तो स्टॉक को बेचने के लिए जनरली क्या चीज की जाती है? स्टॉक को जल्दी बेचने के लिए हम यूजुअली डिस्काउंट ऑफर करते हैं। यस सर, ये मैं जनरल रीजन बता रहा हूँ। ओके, क्या हम मोटिवेट करते हैं कि यार बल्क परचेज डिस्काउंट? यस सर। अब जैसे पेप्सी वगैरह को अगर अपने स्टॉक निकालना है तो वो क्या करते हैं? ऑफर लगा देते हैं। वो ऑफर लगा देते हैं, सिंपल ऑफर लगाते हैं, ऑफर लगाते हैं, को ब्रांडिंग कर देते हैं, किसी दूसरी प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट कर देते हैं, सुपर स्टोर को इंसेंटिव देना शुरू कर देते हैं। तो एज अ रिजल्ट स्टॉक जो होता है वो जल्दी जल्दी बिकना शुरू हो जाता है। कॉमन सी बात है, सही? यस सर। वर्किंग कैपिटल के अंदर जी, वर्किंग कैपिटल के अंदर फिर रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज, रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड। यस, रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज या रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड वेरी इंपॉर्टेंट। और अगेन एवरेज रिसीवेबल्स लेंगे या क्लोजिंग रिसीवेबल्स लेंगे एज पर द डेटा अवेलेबल, और इसको डिवाइड कर देंगे क्रेडिट सेल्स। सेल्स, ओके, सेल्स, क्रेडिट सेल्स होनी चाहिए मल्टीप्लाई बाय 365। और इट सेज दैट कि आपका कलेक्शन पीरियड कितने दिनों का है। अगर आपका कलेक्शन पीरियड बढ़ रहा है तो अगर इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब पुअर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। करेक्ट सर, तो चेज नहीं कर रहे वो क्लाइंट्स को, प्रॉपर्ली नहीं कर रहे, अब चेज प्रॉपर्ली नहीं कर रहे तो इसका एक ड्रॉबैक ये होगा कि जब तक आप अपने कस्टमर से पैसा नहीं ले रहे, सही है, तो आपको मीन टाइम ओवरड्राफ्ट के फॉर्म में पैसा लेना पड़ेगा, आपका ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हो जाएगा। और ओवरड्राफ्ट इंक्रीज होने का मतलब है आपका इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएगा, और इंटरेस्ट इंक्रीज होने का मतलब है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी गिरेगी, रिस्क बढ़ जाएगा। इसका मतलब है अगर हम रिसीवेबल्स को सही मैनेज नहीं करते तो ओवरऑल सेल्स तो बढ़ रही है लेकिन सेल्स बढ़ने के साथ साथ हमारी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी गिर रही होगी, सही है। अब रिसीवेबल रिसीवेबल अगर सही तरीके से मैनेज नहीं हो रहा, पुअर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, तो उसका एक सोल्यूशन ये होता है कि आप अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट ऑफर करें। कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आपका डिपार्टमेंट ही सही काम नहीं कर रहा तो उसको आउटसोर्स कर दिया जाए, और उसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं डेट फैक्टरिंग। ये एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि आपके डेटर्स को टेक ओवर कर लेती है, तो आपकी ओवरऑल एफिशिएंसी का इजाफा हो जाता है और उससे आपके बैड डेट्स रिड्यूस होने के चांसेस क्रिएट हो जाते हैं। ओके, या बास केसेस में आपका पूरा बैड डेट्स भी खत्म हो जाता है। अगर हम ऊपर डेटा में जाएं तो हमारे पास रिसीवेबल की जो इंफॉर्मेशन है 45.6 25.2 45.6 25.2। अब मुझे क्रेडिट सेल्स चाहिए, एज्यूमिंग ऑल द सेल्स आर क्रेडिट, 143.89 मैं कैलकुलेशन इसलिए तो मैं शो कर रहा हूँ कि थोड़ी बहुत कैलकुलेशन कर लेनी चाहिए ताकि आइडिया हो जाए कि रेशियोस कैलकुलेट किया। 3 सर, जो पहला 116.14 है, 116 ही कर दे, राउंड ऑफ कर। ओके, 0.2 / 89 / 365 103.34। तो अभी हम जब करंट रेशियो और क्विक रेशियो निकाल रहे थे तो हम ये कह रहे थे कि यार वर्किंग कैपिटल में मसला नजर आ रहा है, तो वर्किंग कैपिटल में मसला में थोड़ा सा यहाँ से हाईलाइट हो रहा है कि रिसीवेबल जो आपको पे करते थे पहले 103 डेज में पे कर रहे थे, अब आपको 116 दिन में पे कर रहे हैं। करेक्ट, डिले हो रहा थोड़ा। अब देखें आपके जो कस्टमर्स है ना, आपको उन्हें एनालाइज करना पड़ेगा कि ग्रैपल के कस्टमर्स कौन से। तो ग्रैपल के कस्टमर्स में आपके रिटेलर्स हैं, सुपर स्टोर्स हैं, डिस्काउंट स्टोर्स होते हैं, आपकी एयरलाइंस है, तो आपको देखना पड़ेगा कि हमें टाइमली कौन पे कर रहा है और कौन फायदा उठा रहा है। मसलन किसी की बार्गेनिंग पावर अच्छी होती है, जैसे एयरलाइन है फॉर एग्जांपल, इट माइट बी पॉसिबल एयरलाइन आपको टाइम पे ना कर रही है, और दूसरे जो रिटेलर्स हैं वो आपको ये फोर्स कर रहे हो कि जी भाई आपके कॉम्पिटिटर्स तो हमें 150 दिन देते हैं, क्योंकि आप हमें कम डेज के ऊपर फोर्स कर रहे हैं इसलिए हम आपसे नहीं खरीदेंगे। यस सर, वो जो पेमेंट टर्म्स होती है, हां, जिससे ओवरऑल आपकी सेल्स भी खराब होने के चांसेस हैं, तो आपने पेमेंट में लीनियंसी दिखाना शुरू कर दिया। और वो लीनियंसी दिखाने की वजह से पहले आप 103 डेज के अंदर कलेक्ट करते थे, अब आप 116 दिन में कलेक्ट कर रहे हैं। एंड दिस माइट बी अ रीजन कि आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर इंप्रूव हुआ है, क्योंकि अगर आप लीनियंसी देते हैं रिसीवेबल्स को तो अल्टीमेटली आपकी इन्वेंट्री भी जल्दी बिकती है। राइट, अच्छा फिर हम चलते हैं क्रेडिटर्स टर्नओवर इन डेज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।
सो आपका यहाँ पर फॉर्मूला बन जाता है एवरेज पेबल्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेजेस. अब वो अवेलेबल तो ऑब्वियसली डेटा कम है, नहीं है तो उसकी जगह हम COGS इस्तेमाल कर लेंगे. लेकिन क्रेडिट परचेजेस की जगह COGS इस्तेमाल कर लेंगे तो जब डेटा अवेलेबल ना हो. ठीक है ना, ये एक बड़ा अच्छा टूल है कि दूसरों का पैसा इस्तेमाल करो. तो अगर आपको लगता है कि आपके कस्टमर और इन्वेंट्री आपके फेवर में नहीं है तो आप अपने सप्लायर को डिले करना शुरू कर दो. क्या डिले इन सप्लायर एडवाइजेबल है? नो सर. देखिए डिपेंड्स कि आपके सप्लायर कितने हैं. आप सिंगल सप्लायर के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, आपके पास मल्टीपल सप्लायर हैं, बहुत सारी चीजें आप मंगवाते हैं, इंग्रेडिएंट आपके बहुत ज्यादा हैं, डिफरेंट सप्लायर हैं, तो ऑन एवरेज आपका पेमेंट पीरियड कितना है? क्या आप सप्लायर को डिले कर सकते हैं? सप्लायर को डिले करने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? अगर सप्लायर को डिले करने के कॉन्सिक्वेंसेस नेगेटिव होते हैं तो फिर एडवाइजेबल नहीं है कि आप सप्लायर को डिले करें, बल्कि आप अपने सप्लायर को टाइमली पे करें. और उस टाइमली पे करने में आपका फायदा ये होगा कि आपके सप्लायर के साथ रिलेशनशिप काफी अच्छे होंगे और उस रिलेशनशिप में आपको मटेरियल सोर्स करने में आसानी होगी. सही है? राइट. अच्छा, अब अगर आपका इन्वेंट्री डेज बढ़ रहा है, रिसीवेबल डेज बढ़ रहा है, तो सप्लायर डेज अगर बढ़ा दिए जाए तो आपके वर्किंग कैपिटल पे उतना नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा. लेकिन अगर आप सप्लायर को टाइम पे दे रहे हैं और आपकी इन्वेंट्री और रिसीवेबल टाइम पे कलेक्ट नहीं हो रही तो फिर आपकी वर्किंग कैपिटल पे प्रॉपर इफेक्ट पड़ेगा और आपको बैंक ओवरड्राफ्ट में जाना पड़ेगा. सर यहाँ पे छोटा सी एक चीज मैं ऐड करना चाह रहा हूँ. जी जी बोले सर. जैसे मैं एमएनटी में काम कर रहा हूँ तो सप्लायर्स के ऊपर हम लोग काफी काम करते हैं. अच्छा, हम लोग क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री है बेसिकली, तो होता क्या है कि हमारे जो सप्लायर्स हैं वो कोर हमें कोई जो चीज हम सेल कर रहे हैं वो तो दे नहीं रहे, तो हमारे पास अलग अलग जो सर्विसेज के सप्लायर्स होते हैं ना, तो हम लोग उनको देख रहे होते हैं, उनकी मैनेजमेंट होती है बेसिकली प्रोक्योरमेंट वगैरह की. तो अब मेजॉरिटी सप्लायर्स जो हमारे पास है ना वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हम 50% एडवांस पे काम करेंगे. तो समझ लें कि वो जो एक अगर हम लोग कोई इस तरह के उनके साथ टर्म्स भी इसके अंदर मतलब एडिशन के तौर पे कि हम उनको या तो 50% से कोई कम परसेंटेज दे दें और बाकी के लिए हम थोड़ी लीनियंसी ले लें, तो इस तरीके से भी हम लोग इसको अपने सप्लायर्स के डेज को बढ़ा सकते हैं. हाँ देखो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आप पहले तो ये देखें कि आपके पास सप्लायर्स में ऑप्शंस कितने अवेलेबल है. दूसरी चीज ये है कि क्या आप सप्लायर की प्रोडक्ट आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है. मसलन एक ही सप्लायर है, एक ही सप्लायर है और उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी इम्पोर्टेंट है, तो अब वो अगर आपको ये कहता है कि यार कैश परचेज होगी, क्रेडिट परचेज नहीं होगी, तो आपके पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है? आपको तो देना पड़ेगा. तो इट डिपेंड्स कि आप सप्लायर पे कितना रिलाई कर रहे हैं, वो आप पे कितना रिलाई कर रहा है. बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर एक टॉपिक में पढ़ाया जाता है जेनेरिक, उसके अंदर फोर्सेस फाइव फोर्सेज मॉडल में, फोर्टर्स फाइव फोर्सेज मॉडल में एक टॉपिक होता है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर. तो अगर बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर बहुत वीक है तो आप उससे जितना चाहे फायदा उठा लें, लेकिन अगर बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर स्ट्रांग है तो आपको वो क्रेडिट पीरियड में मार्जिन बहुत कम देगा, फिर आपको ऑल्टरनेट कहीं ना कहीं से चीजें मैनेज करनी पड़ेगी. प्रोक्योरमेंट हमारी बहुत खराब हुई भी आज. प्रोक्योरमेंट बहुत मुश्किल काम है थोड़ा सा. वो जो है ना वो देखें, अब मैं आपको मजे की बात बताऊँ. आप कभी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी जैसे यूनिलीवर कभी आप उसको तो यूनिलीवर का डेटर डेज और इन्वेंट्री डेज दोनों मिलाकर तकरीबन 15 दिन होते हैं, यानी एक नहीं दोनों मिलाकर 15 दिन होते हैं. सर उनका कलेक्शन डिपार्टमेंट भी तो बहुत बड़ा है. उनका उनका आप जब पेबल्स पीरियड देखेंगे ना तो वो आपको नजर आएगा तकरीबन 150 दिन, 160 दिन, 170 दिन. तो वो अपने सप्लायर को, सप्लायर यूनिलीवर को अगर कोई चीज बेच रहा है तो सप्लायर की मजाल नहीं है यूनिलीवर को ये कह सके 10 दिन में पे करो या 15 दिन में पे करो. Yes, बल्कि वो कह रहा होगा सप्लायर या इतनी बड़ी कंपनी हमारा क्लाइंट है, इसकी इतनी अच्छी सेल्स हैं, तो ये इतना जबरदस्त हमारे लिए ऑप्शन है कि इसको आप बेचते रहो, पेमेंट तो आराम से आ जाएगी, कोई बैड डेट वेड तो होने नहीं यूनिलीवर से. तो ऐसी बड़ी कंपनीज हमेशा सप्लायर को बड़ा इन्फ्लुएंस में रखती है, अटका के रखती है. तो एज ए रिजल्ट इनको इतना बड़ा फायदा है. जैसे यूनिलीवर को कभी मुझे स्टडी करने का मौका मिला तो यूनिलीवर को इतना बड़ा एडवांटेज है कि कस्टमर डेज फॉर एग्जाम्पल 8 दिन,
इन्वेंट्री डेज फॉर एग्जांपल 7 दिन और सप्लायर डेज 150 इसका मतलब आप कलेक्ट करते हैं 15 दिन में और सप्लायर को पे करते हैं 150 दिन में, तो आपको 135 डेज के लिए सरप्लस कैश आपके पास होता है। जबरदस्त। तो ये सरप्लस कैश आपके लिए इतना बड़ा रीजन है कि यूनिलीवर को स्टॉक मार्केट से पैसा उठाने की, लोन लेने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। तो सारा का सारा जो गेम है वो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से मैनेज कर रहे हैं। Right. सर हमारी दफा ना आ जाए यूनिलीवर का केस। नहीं ऐसा नॉर्मली अभी हम नॉर्मल, ये नॉर्मल फिनोमेना नहीं है, ये नॉर्मल फिनोमेना है। और ये जो तीन रेशियोज अभी हमने कैलकुलेट किए हैं इसकी बेसिस के ऊपर हम निकालते हैं वर्किंग कैपिटल साइकिल। और वर्किंग कैपिटल साइकिल जब कैलकुलेट होती है किसी भी ट्रेडिंग बिजनेस के लिए तो उसका फॉर्मूला हो जाता है डेटर डेज, उसमें आप स्टॉक डेज प्लस कर देते हैं और उसके अंदर आप क्रेडिटर डेज माइनस कर देते हैं, तो आपके पास वर्किंग कैपिटल साइकिल आ जाती है। फॉर एग्जांपल लेट मी पुट दिस, 80 दिन में डेटर्स ने पेमेंट की, 40 दिन में आपने इन्वेंट्री बेची और सप्लायर ने आपको 40 दिन का मार्जिन दिया, तो 40-40 कैंसिल हो गया, तो आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल आ रहा है 80 डेज। नाउ व्हाट इट शोस, वर्किंग कैपिटल साइकिल ये शो करता है कि आपको कितने डेज के लिए पैसा चाहिए, फाइनेंस चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल की लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेंथ बढ़ना शुरू हो जाएगी, लॉन्ग होना शुरू हो जाएगी, हाई होना शुरू हो जाएगी, दैट मींस आपको ओवरड्राफ्ट पे रिलाई करना पड़ेगा। ऐसा ही होता है, सही है। अब इस लेंथ का अगर मैं यूनिलीवर के कॉन्टेक्स्ट में देखूं तो ये लेंथ वर्किंग कैपिटल जो यूनिलीवर की है वो क्या है, वो नेगेटिव वर्किंग। तो अब ये तो बहुत एबनॉर्मल सा केस है कि नेगेटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल आ गई। जिन कंपनीज की नेगेटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल आएगी उसकी आप बैलेंस शीट उठा के देखिए, उन्हें कैश फ्लो में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी और उन्हें फाइनेंस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि गियरिंग रेशियो भी कम होगा। यूनिलीवर की जो लॉन्ग टर्म गियरिंग रेशियो है वो 0%, यानी कि वो लोन लेते ही नहीं, सारा वो सर मैनेज करते हैं, सारा का सारा कैश फ्लो वर्किंग कैपिटल के जरिए आ रहा होता है। इतनी कैश रिच कंपनी है कि वो डिविडेंड भी दे रही है, उसने अपने शेयर्स भी बाय बैक कर लिए, वो इन्वेस्टमेंट भी कर रही है, उसको कहीं से पैसा बोरो करने की जरूरत ही नहीं। सो ये अभी तो हम खैर यूनिलीवर मॉडल नहीं पढ़ रहे, हम तो ये पढ़ रहे हैं कि अगर लिक्विडिटी रेशियोज में प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें कल्प्रिट हमारे पास इन्वेंट्री डेज हो सकता है, रिसीवेबल डेज हो सकता है और पेबल डेज हमें चेक करना पड़ेगा कि हम सप्लायर को कितने टाइम के ऊपर पे करें। और अभी जब हमने वर्किंग कैपिटल साइकिल की पोजीशन देखेंगे हम ओवरऑल, तो हमारा इन्वेंट्री डेज आ रहा था 106, यस सर, रिसीवेबल था 116, राइट, तो मैं निकाल लेता हूं ये ऊपर से जो 106 116 और पेबल कितना था सर, ये वो पे करना है टेबल निकालना, जो करंट है, करंट है वो 61 और पिछला कितना था सर, वो भी 11.2 तो वो है 65। इसका मतलब है सप्लायर को जल्दी पे करना, यस, सप्लायर को जल्दी पे करने में एक फायदा डिस्काउंट ऑब्टेन करने का भी होता है और एक होता है कि सप्लायर आपको जबरदस्ती आपसे जल्दी ले रहा है। तो 61 डेज अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं तो मेरे पास वर्किंग कैपिटल साइकिल करंट ईयर की कितनी आएगी, 160 दिन, यस सर 161 डेज, यस ना। अब ये हो सकता है बहुत ज्यादा हो, पिछले साल की वर्किंग कैपिटल साइकिल से कंपेयर करेंगे, इंडस्ट्री एवरेज से कंपेयर करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हम 161 डेज के लिए वी नीड वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। वर्किंग कैपिटल के जो हमें पैसा रिक्वायर्ड है वो 161 डेज के लिए, यानी कि 5 महीने हमारा पैसा वर्किंग कैपिटल में टाई अप हुआ है, व्हिच इज अ पैथेटिक सिचुएशन ओवरऑल किसी भी एंगल से लगाए थे। मतलब सर ये तो वो है ना, मतलब अब आपसे आप जब कभी एग्जाम में जाते हैं तो वो आपको एडवाइस देनी होती है कि आप वर्किंग कैपिटल साइकिल की लेंथ कैसे मिनिमाइज करेंगे।
तो लेंथ मिनिमाइज करने की जो एडवाइस आप देंगे उसमें इन्वेंटरी डेज को कम करना है, रिसीवेबल डेज को कम करना है और पेबल डेज को बढ़ाने की एडवाइस देना है। यस सर, सही है। अच्छा सर, अगर हम लोग जैसे फॉर एग्जाम्पल जब भी हम डिस्कस कर रहे हैं तो आप इनके अंदर भी बहुत सारे रीजंस दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इन्वेंट्री डेज को रिड्यूस कर रहे हैं तो आपने इसके अंदर भी कोई 7-8 रीजन तो ऐसे ही दे दिए चलते फिरते। तो अगर हम लोग का मेयर ये बता देना काफी है या फिर वो जो जिस तरह से आपने रीजन दिए वो भी हम दें? नहीं, बहुत सारे रीजन देने की जरूरत नहीं है। पहली तो चीज़ ये होती है कि हम ये जज करते हैं कि हमारे पास जो सवाल आया है उसमें रिक्वायरमेंट क्या है, फिर देखते हैं मार्क्स अवेलेबिलिटी कितनी है, हमारे पास टाइम कितना अवेलेबल है। अब फॉर एग्जांपल 20 मिनट में आपको ये सवाल सॉल्व करना है और आपको जो स्पेसिफिक टारगेट दिया गया है वो कैश फ्लो पोजिशन के ऊपर दिया गया है, तो आप उसके अंदर एक एक दो दो रीज़न लिख सकते हैं, आप 8-8, 10-10 रीज़न नहीं लिख सकते। और आपको रीज़न केस स्पेसिफिक लिखने होते हैं। ये तो मैं आपको जर्नलाइज रीज़न बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ऑप्शन आ जाएँ कि यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आप जब ये रेशियोज आपके पास रियल आ रही है ना जो ग्रैपल की है, तो जब आप केस स्टडी को रिव्यू कर रहे होंगे तो आप ये रीजन देखेंगे यार इसकी इन्वेंट्री क्या है, इसकी प्रोडक्ट कौन सी है, इसके जो कस्टमर ग्रुप कौन सा है, व्हाई इट इज हैविंग अ प्रॉब्लम इन सेलिंग इन्वेंट्री, मार्केट शेयर, कॉम्पिटिटर कौन सा है, क्या इसने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया। बाद दफा ऐसा होता है कि नए प्रोडक्ट लॉन्च करना, फिर आपका एक प्रोमिनेंट ब्रांड बना हुआ होता है, जैसे पेप्सी कोक की सेल्स को कभी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, धड़ाधड़ बिक रही है उनकी प्रोडक्ट में इन्वेंट्री, लेकिन उन्हीं का अगर आप दूसरा प्रोडक्ट निकालेंगे ना वाइट वाला या जो मेरिंडा वरिंडा, उनकी सेल्स आपको इतनी ज्यादा नजर नहीं आएंगी। यस सर, तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये कि लोगों का टेस्ट डेवलप नहीं हो रहा। अब आपको चाहिए कि उसी प्रोडक्ट के अंदर आपको इनोवेशन करें और इनोवेशन करके आप उसको ज्यादा से ज्यादा बेचें ताकि आपका रिलायंस एक प्रोडक्ट के ऊपर ना हो। करेक्ट, ये हमें फिर अकॉर्डिंगली सवाल के अंदर देखना पड़ेगा। जब हम पास पेपर्स को कनेक्ट करेंगे और रेशियोज के सवाल देखेंगे, देखेंगे एग्जामिनर ने किस तरह से पूछा, फिर एग्जामिनर का सॉल्यूशन रेफर करेंगे कि उसने किस तरह से आंसर किया। सही है? राइट सर। एसेट टर्नओवर हमें ये बताता है कि आपका एसेट यूटिलाइजेशन रेशियो कैसा है। आपके पास जो नॉन करंट एसेट्स मौजूद हैं उनको आप कितनी जबरदस्त तरीके से एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं, यानी कि आपका मशीन टर्नओवर टाइम। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक एविएशन इंडस्ट्री की एग्जांपल लें, जहाज, एमिरेट्स की एग्जांपल लें, तो एमिरेट्स के जहाज कितने ऑक्यूपाइड रहते हैं, सही है? जब जहाज यूज होते हैं तो वो कितने अंडर यूटिलाइज होते हैं या ओवर यूटिलाइज होते हैं, ओवर कैपेसिटी का शिकार है। इसी तरह अगर हम एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की एग्जांपल लें तो मशीन कितने साल में कितनी यूटिलाइज हो रही है, मंथ में मशीन, पूरे दिन मशीन कितनी चलती है। तो ये जो यूटिलाइजेशन रेशियो है ये इंडिकेट करता है कि आपका जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उससे कितनी सेल्स जनरेट हो रही है। जितनी ज्यादा सेल्स जनरेट होंगी उतना अच्छा है, क्योंकि जितनी ज्यादा सेल्स जनरेट होंगी उतनी ज्यादा इन्वेंट्री पाइलअप होगी, जितनी इन्वेंट्री पाइलअप होगी उतनी ज्यादा आप उसको जल्दी बेचेंगे, जितना जल्दी बेचेंगे उतना जल्दी कलेक्ट करेंगे, तो ओवरऑल एसेट उसकी यूटिलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ कलेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। सही है? लेकिन ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपका जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उससे आपने नए एसेट्स परचेज किए हुए या आपके पास ओल्ड एसेट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ओल्ड एसेट्स होंगे तो उनकी एफिशिएंसी अच्छी नहीं होगी, तो आपकी सेल्स की एफिशिएंसी अच्छी नहीं होगी। तो इस पॉइंट पर आप एडवाइस कर सकते हैं, यू नीड टू इन्वेस्ट इन न्यू एसेट्स। जैसे ग्रैपल है तो बॉटलिंग प्लांट, कोई नया एफिशिएंट ऑटोमेटेड बॉटलिंग प्लांट, इसमें था केस स्टडी के अंदर, तो उससे एफिशिएंसी बढ़ जाती है, आपकी सेल्स बढ़ जाती है और ओवरऑल आपकी फिर कैश फ्लो बेहतर होना शुरू होता है, कॉस्ट भी बच रही है सर। सही? यस सर। एम्प्लॉयड, अच्छा सर ये फार्मूला किधर है, मतलब एसेट कौन सा, ये जो आपने अभी बताया किधर, मतलब जैसे आपने जनरली बताया। ओके, ये मैंने उसका कैलकुलेट नहीं किया, मैंने उसका कैलकुलेट नहीं किया, जनरली बताया आपने। ओके, जनरली बताया। ओके, अच्छा जी, सॉल्वेंसी रिस्क, उसके बाद आ रहा है सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो अल्टीमेटली रिस्क रिलेटेड रेशियोज होती हैं और फाइनेंसिंग के हवाले से ये रेशियोज बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, खासतौर पे अगर हम लेंडर का पर्सपेक्टिव देखें। तो लेंडर पर्सपेक्टिव क्या होता है, जब आप किसी लेंडर के पास जाते हैं और उससे लोन लेते हैं,
तो लेंडर का पर्सपेक्टिव ये होता है कि उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट है। तो लेंडर पर्सपेक्टिव से वो क्या करता है, वो आपसे आपके एसेट्स के ऊपर चार्ज लगा देता है सिक्योरिटी पर्पस के लिए। चार्ज दो तरह के होते हैं, एक फिक्स चार्ज होता है जो कि नॉर्मली लगाया जाता है, और एक होता है फ्लोटिंग चार्ज। ये सुना है तुम लोगों ने कभी? जो फिक्स नहीं रहता मतलब चेंज होता रहता है, सुना फिक्स चार्ज जो फिक्स चार्ज जो होता है जनरली नॉन करंट एसेट्स के ऊपर लगता है। ओके कि जैसे आपने लोन लिया एक बैंक से, उसने कहा यार आपकी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर हम चार्ज लगा देते हैं, बिल्डिंग के ऊपर चार्ज लगा दी, तो वो फिक्स चार्ज होगा, मूव नहीं होगा। और फ्लोटिंग चार्ज जो होगा वो जर्नल एसेट्स के ऊपर लगता है और मूवेबल होता है। अगर आपने वो चार्ज हटवाना है तो आप वो चार्ज किसी और एसेट पे ट्रांसफर कर दें, वो एसेट बेच दें हम, तो बैंक का फिर जो चार्ज होगा वो किसी दूसरे एसेट पे ट्रांसफर हो जाएगा। फिक्स चार्ज में प्रॉब्लम ये होती है कि जिस एसेट पे लगेगा वो आप बैंक की परमिशन से बेच नहीं सकते बगैर। सर ये आपने पढ़ा है? हाँ ये मैंने पढ़ा होगा। तो चार्ज चार्ज की फायदा ये होता है कि लेंडर सिक्योरिटी फील करता है कि अगर कंपनी कोलैप्स भी करती है, जो लोन लेने वाला है वो कोलैप्स भी करता है, तो आप एटलीस्ट उसका वो एसेट बेच के अपनी इन्वेस्टमेंट रियलाइज कर लेंगे। अगर चार्ज नहीं मिलता आपको या क्वालिटी ऑफ एसेट्स अच्छे नहीं है तो फिर लेंडर कोवेनेंट लगा देता है। रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय लेंडर। अब आप एक फाइनेंस एक बैंक के पास जाते हैं, उसे कहते हैं मुझे लोन चाहिए, तो बैंक कहता है जी हम आपको लोन तो दे देंगे लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन हमारी होगी, और वो टर्म्स एंड कंडीशन ये होगी कि हम आप पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे कि लोन लेने के बाद आप ये कर सकते हैं ये नहीं कर सकते। दो तरह के कोवेनेंट लगाए जाते हैं, एक पॉजिटिव कोवेनेंट्स होते हैं और एक नेगेटिव कोवेनेंट्स होते हैं। एक दफा मैनेजमेंट के स्टडी के अंदर सवाल आया था कि कोवेनेंट लगा हुआ है आपके लोन के ऊपर और आपका कोवेनेंट ब्रीच हो गया, अब आप अपने लेंडर को समझाएं कन्विंस करें कि जो कोवेनेंट ब्रीच हुआ है उसे कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ना हो, या आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए थे कि कोवेनेंट आपके कंट्रोल में नहीं था जो ब्रीच हुआ है। तो आप जब कोवेनेंट लगाते हैं ना तो आप कोवेनेंट लगाते वक्त आपके लिए बड़ी परेशानी होती है, लेंडर आपकी पॉलिसीज को मैनेज कर रहा होता है, रिस्ट्रिक्शन लगा रहा होता है, समटाइम्स वो रिस्ट्रिक्शन किसी रेशियोज की फॉर्म में लगा रहा होता है, मसलन आपका करंट रेशियो फॉल नहीं होना चाहिए उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी उसने, वो आपको मैनेज करना है। समटाइम्स वो गेयरिंग रेशियो पर रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि आपका गेयरिंग रेशियो इंक्रीज नहीं होना चाहिए, हाथ पैर बांध देता है कोवेनेंट लगा देता है। या समटाइम बड़ा रिस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट होता है कि डिविडेंड पेमेंट आप नहीं करेंगे, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं देंगे, इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं करेंगे सर वो कहते हैं। या फिर समटाइम्स वो कहता है कि जी आप क्रेडिट रेटिंग मैनेज करें, आपको एक क्रेडिट रेटिंग मेंटेन करनी है, अगर आपकी क्रेडिट रेटिंग डिफॉल्ट करती है फॉल होती है तो आपका कोवेनेंट ब्रीच हो जाएगा। सर ये तो IMF बिल्कुल यही करती है ना? एग्जैक्टली यही सीन है। अच्छा कोवेनेंट अगर ब्रीच होता है उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? हार्श होते हैं कि आप लोन रीपे कर दें, या फिर आपका लोन रीशेड्यूल हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। तो आपको लोन लेते वक्त जब आप लोन लेने जाएंगे या एडवाइस करेंगे तो आपको कोवेनेंट का ख्याल रखना पड़ता है, सिक्योरिटी का देखना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। और आप ये देखते हैं, अगर मैं थोड़ा सा इसके पर्सपेक्टिव में जाऊं कि अगर ये लोन लेने जाता है, इसके पास ऑलरेडी लोन मौजूद है, लेकिन जब ये लोन लेने जाएगा तो इसके जो टेंजिबल एसेट्स हैं कितने हैं? 64 मिलियन। और इसने लोन ऑलरेडी कितना लिया हुआ है? 16 पॉइंट। इसका मतलब है इसके पास 4 times ज्यादा, 4 times हो गए ना, 4 times इसके पास एसेट्स मौजूद है। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि इसका पोटेंशियल टू बोरो मौजूद है, ये और भी लोन ले सकता है, जो भी लेंडर है वो इसके एसेट पे चार्ज लगा सकता है। Yes. लेकिन इंटेंजिबल एसेट इस काम के लिए बेकार होते हैं क्योंकि इंटेंजिबल एसेट सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। हाई क्वालिटी टेंजिबल एसेट जिन ऑर्गेनाइजेशन के पास अवेलेबल होते हैं उनको ये एडवांटेज होता है कि वो उनको गिरवी रखवा कर इस्तेमाल कर सकते। सही जी? Right, sir. तो हम रेशियोज की बात कर रहे थे कि जो हमारी रिस्क रिलेटेड रेशियोज हैं
उसके अंदर हमारी पहली रेशो जो हम इस्तेमाल करते हैं मशहूर जमाना गियरिंग रेशो डेट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। गियरिंग रेशो के दो फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं, एक डेट टू इक्विटी रेशो होता है और एक होता है डेट डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि हाँ कैपिटल एम्प्लॉयड कह सकते हैं। अब ये फॉर्मूला अकॉर्डिंगली इस्तेमाल करते हैं, दोनों का एक ही ऑब्जेक्टिव है, एक ही दोनों की अंडरस्टैंडिंग होती है। तो एक हो गई आपकी इक्विटी गियरिंग और एक हो गई आपकी कैपिटल गियरिंग। सो अगर फॉर एग्जांपल मैं डेट टू इक्विटी वाले फॉर्मूले को एक्सप्लोर करूं, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी रेशियो, तो फॉर एग्जांपल एक कंपनी के पास 500 मिलियन का डेट है और उसके पास 500 मिलियन की इक्विटी मौजूद है, तो आंसर क्या आएगा? 100%। अब इस 100% को इंटरप्रेट कैसे करेंगे? इसको इंटरप्रेट ये करेंगे कि जितना इक्विटी है उतना डेट है, यानी कि सेम रेशो पे चल रही है कंपनी। अगर 500 मिलियन की इक्विटी है तो 500 मिलियन डेट लिया हुआ है, तो दैट मींस कि हाई गियरिंग कब होगी? व्हेन आंसर इज ग्रेटर देन 100%। और हाई गियरिंग हमने फाइनेंस के टॉपिक में पढ़ा था कि हाई गियरिंग से आपका फाइनेंस रिस्क क्रिएट होता है, आपका फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाता है, और जब आपका फाइनेंशियल रिस्क बढ़ता है तो शेयर होल्डर्स के लिए थ्रेट होता है, और एज ए रिजल्ट जब शेयर होल्डर्स आपसे रिटर्न डिमांड करेंगे तो वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी को बढ़ा देंगे, उनका जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होगा वो इससे कनेक्टेड होता बढ़ जाएगा, और जब आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ेगी तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा वो भी लाइकली चांसेस बढ़ जाएगी। गियरिंग रेशियो इज वेरी टेक्निकल, इसको डिस्कस करना इट्स वेरी ट्रिकी, इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस निकलते हैं। हमारा इस वक्त ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम ये देखें सबसे पहले कि जो हमारी कंपनी है उसकी एग्जिस्टिंग गियरिंग रेशियो क्या है,